अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो CS 202 के फाइनल टर्म के सिलेबस में जो नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एजेक्स है। एजेक्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी बहुत इजी है। एजेक्स है क्या चीज़? इसके लिए सबसे पहले आपने जो है इसकी एब्रीवेशन याद करनी है, एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML। यानी कि एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML दोनों का मिक्स है ये। तो ये यूज़ किस लिए होता है? वो लिखता है कि एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। और ये यूज़ किस लिए होता है? अबाउट सेंडिंग रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ सर्वर विदाउट रीलोडिंग द पेज। यानी कि अगर आपने कभी देखा है कि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से हमारे व्हाट्सएप पर वेब के ऊपर नए मैसेजेस आते हैं तो वो शो होने लग जाते हैं। हमें व्हाट्सएप को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इंस्टाग्राम रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल पे जीमेल खोल के बैठे हुए हैं तो अगर आप देखें कि अगर जीमेल के ऊपर नई मेल आ जाती है तो हम लोग उसको रिफ्रेश तो नहीं कर रहे होते, वो खुद ही आ जाती है। तो एजेक्स इसलिए यूज़ होता है कि आप लोगों को दोबारा से वेब पेज को रीलोड करने की ज़रूरत ना पड़े और जो नई चीज़ या नया डाटा अपलोड हुआ है वो हमें शो होने लग जाए। तो फेसबुक के ऊपर न्यू पोस्ट आती है तो वो हमें शो हो जाती है। उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, गूगल मैप्स का वो कह रहा है और जीमेल का भी कह रहा है कि जो न्यू जीमेल आती है वो हमें ऐसी शो हो जाती है। तो इसके बाद एजेक्स इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। इज एजेक्स किस पे जो है वो बेस्ड होती है, ये आपने जो है MCQ के लिए याद कर लेना है। एजेक्स इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड यूजेस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने लाजमी तौर पे याद करनी है। ये जो XML सॉरी HTTP रिक्वेस्ट है, आप जब पेपर देखेंगे तो आपको हर जगह शायद यही वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है? टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ वेब सर्वर। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट और डोम टू डिस्प्ले और यूज़ द डाटा, इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद है गूगल सजेस्ट। एजेक्स वॉज मेड इन पॉपुलर 2005 बाई गूगल विद गूगल सजेस्ट, ठीक है। एजेक्स को गूगल ने यूज़ कर लिया था 2005 में और उसके बाद से जो है ना ये पॉपुलर होना लग गया है। एजेक्स इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, अलाउज यू टू अपडेट पेज विदाउट रीलोड और अलाउ करता है इम्प्रूविंग वेब पेज परफॉर्मेंस। एजेक्स के ऊपर ये क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। और जो इसका की स्टोन है वो आपने याद रखना है कि XML HTTP रिक्वेस्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट है जो पेपर में आएगा, ये लाजमी याद रखना है। और किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू एक्सचेंज डाटा विद अ सर्वर, यानी कि न्यू डाटा अपलोड करने के लिए या पुराने का एक्सचेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ करने वाली है वो सेंड है। सेंड किस लिए यूज़ होता है? सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज फॉर गेट। और जो हमारे पास एक चीज़ है सेंड है, एक स्ट्रिंग में है, एक ये देखिए एक एम्प्टी है और एक स्ट्रिंग में है और यूज़ फॉर पोस्ट है। पर दोनों यूज़ किस लिए होती हैं? टू सेंड द रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर। गेट और पोस्ट का डिफरेंस हम लोग मिड टर्म में पहले पढ़ रहे थे लेकिन फिर एक दफ़ा देख लें कि गेट इज़ सिंपलर एंड फास्टर देन पोस्ट, देन यू कैन बी यूज इन मोस्ट केसेस। तो ये आपने कर लेना है। पोस्ट इज़ यूज व्हेन अ कैश्ड फाइल इज़ नॉट एन ऑप्शन। कैश जो फाइल है वो ऑप्शन नहीं है। अब डेटा फाइल डाटा बेस्ड ऑन द सर्वर। उसके बाद कहते हैं कि सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू द सर्वर। जब हमने ज़्यादातर ज़्यादा अमाउंट में डाटा सेंड करना होता है तो हम पोस्ट को सेंड यूज़ करते हैं। और पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन। गेट के अंदर लिमिटेशन है, साइज के पोस्ट के अंदर लिमिटेशन नहीं है। सेंडिंग यूज़र को इनपुट, यानी कि सेंड करना यूज़र को इनपुट, पोस्ट इज़ वन जो रोबस्ट एंड सिक्योर दैट गेट। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग मिड टर्म में पहले ही पढ़ के आए थे। URL क्या है? अ फाइल ऑन अ सर्वर। URL पैरामीटर्स टू द ओपन। ओपन किस लिए होता है? हम किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो इसलिए जो है एड्रेस कर रहे हैं हम उसका अलग से, तो ये URL उसके लिए यूज़ होता है। एसिंक्रोनियस ट्रू है या फॉल्स है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो एजेक्स स्टैंड फॉर, ये उसने वही बात दोबारा लिख दी और ओपन वाली बात लिख दी है। तो एग्जीक्यूट अदर स्क्रिप्ट वाइल वेटिंग फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स और डील्स विद द रिस्पॉन्स व्हेन द रिस्पॉन्स रेडी। एजेक्स डज नॉट हैव वेट, यानी कि जो एजेक्स है जावास्क्रिप्ट डज नॉट वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स। जावास्क्रिप्ट नहीं जो है वो इंतज़ार करती जब एजेक्स के साथ वो वर्क करती है इस चीज़ का, अगर सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा या फिर स्क्रिप्ट जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए जो है ये एसिंक्रोनियस ट्रू और एक जो है फॉल्स, ये दो यूज़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये ट्रू हो तो क्या होता है? स्पेसिफाई अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन रिस्पॉन्स इज रेडी इन द ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट। तो यानी कि जब इवेंट जो है वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन ठीक चल रहा है, तो फिर जो है एजेक्स के साथ जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली काम कर जाएगी। और अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो थर्ड पैरामीटर इन द ओपन मेथड टू फॉल्स, यानी कि वो जो एग्जीक्यूट है वो सही तरह से नहीं होगा। एजेक्स कर रहा है रिसीविंग रिस्पॉन्स, टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर यूज द रिस्पॉन्स टेक्स्ट और रिस्पॉन्स XML प्रॉपर्टी फॉर द XML ऑब्जेक्ट। ये रिसीव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के अंदर इनके आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि अगर इनको एक दफ़ा ना देखा तो पेपर में समझ नहीं आएगी कि इनका करना क्या है। लेकिन जो है ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल हलवाएं
और पेपर के अंदर फाइनल टर्म के अंदर भी जो है ना आपको HTML और CSS ही आएगी, इनमें से जो आएगा वो सारा थ्योरी का होगा। अब यहाँ पे जो आ रही है रेडी स्टेट प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि जो जब जीरो आएगा ठीक है तो नॉट इनिशियलाइज होगा। जब हम LMS कभी यूज़ करते हैं तो वो कभी बता रहा होता है 500 एरर है हमारे पास, कभी 404 है, कभी जीरो है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ने लगे हैं। तो जब जीरो आए तो रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज, यानी कि हम कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इनिशियलाइज ही नहीं हो रही, सर्वर के ऊपर मसला आ रहा है, सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। जब 1 आ जाएगा ठीक है, उसके बाद जब 2 आएगा तो रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो गई है, उसके बाद प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट 3 पे है, और 4 जो है फिनिश द रिस्पॉन्स इज रेडी। ये 4 जो है ना इसके स्टेजिंग है जिस तरह रिक्वेस्ट हमारी जाती है। जब हमारा 200 आएगा मतलब कि हमारा जो पेज है वो काम कर रहा है। जब 404 होता है मेरी मतलब ये है कि जो हमारा जो सर्वर है यानी जो हमारा LMS है उसको हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जा नहीं रही, वो उसके ऊपर जो है वर्क नहीं कर रहा। तो रेडी स्टेट जो है वो हमारे पास 4 है और 200 है ठीक है, और 404 जो है वो नॉट रेडी स्टेट है हमारा। यूजिंग अ कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन अब क्या होता है, ये डेफिनेशन आ सकती है। और कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन काम कर रहा है ठीक है, उसको एक कॉल बैक फंक्शन देने के, अगर ये वाला काम नहीं कर रहा तो तुम दूसरे को काम पे लगा देना। तो यहाँ पर हमारा AJAX जो है वो कंप्लीट होता है। तो JQuery को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।